हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। खैर आज के वीडियो में क्या होने वाला है खास, वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केपीएमजी के बारे में। केपीएमजी जो रिक्रूट कर रही है वो है एसोसिएट कंसल्टेंट और कंसल्टेंट के पोजीशन के लिए। देखो दोस्तों, बताना चाहूंगा जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये मुंबई लोकेशन के लिए है, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों जो उस लोकेशन पर रहते हो वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और बाकी जो पैन इंडिया में जो लोग रहते हो, अगर आपको भी इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। पर अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, ताकि आप जब अप्लाई करो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो जाए। और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला पॉइंट दोस्तों, अगर आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप या तो इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, या फिर आपने बीकॉम वगैरह किया हो, कॉमर्स लाइन से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने मैथमेटिक्स में करके रखा अपना ग्रेजुएशन, अगर आपकी ऑनर्स जो थी वो मैथमेटिक्स में थी तो भी आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और स्टेटिस्टिक्स में भी अगर आपने पढ़ाई की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो या तो आपने एमबीए करी होनी चाहिए, या पीजीडीएम करी होनी चाहिए, या सीएफए भी अगर आपने कर लिया तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब दोस्तों देखो, इसके लिए अप्लाई करने के लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ चीजें की जरूरत होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 से 3 साल तक का तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा एडिशनल एडवांटेज होगा बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में, और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आपको वीबीए का नॉलेज है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन अगर इसका आपको नॉलेज है, या फिर आपने एडवांस एक्सेल का नॉलेज है, तो ये सारे आपके लिए एडिशनल एडवांटेज का काम करेगी। दोस्तों अगर ये जैसा आप जानते हो ये केपीएमजी जो है वो बिग फोर में आती है, और यहाँ पे जो आपका काम होता है वो अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और फाइनेंशियल मॉडल्स की ज्यादा जानकारी है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। यहाँ वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अकाउंट्स और फाइनेंस का अच्छा तगड़ा नॉलेज होगा। दोस्तों अगर आपके पास फिनेंशियल बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे आप मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है आपको, क्योंकि जो आपकी इंटरव्यू प्रोसेस होगी, इंटरव्यू में आपको बहुत सारा फिनेंशियल मॉडलिंग के बारे में, IRR, NPV, ये सारे क्या चीजें होती हैं इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अकाउंटिंग के भी कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे तो वो आपको करना होगा। दोस्तों जहां तक कि मुझे मेरे पास जानकारी है, ये जो रिक्रूटमेंट है ये 3 फेजेस में होता है। पहला तो आपका रिटन होगा, दूसरा वाला भी आपका रिटन होगा, उसके बाद तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप तीनों राउंड क्लियर कर लेते हो तो आप इस प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट हो जाते हो और आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन रिलोकेट जो अगर करते हो तो आपको रिलोकेशन का एडवांटेज शायद कंपनी दे सकती है, इसका कुछ भी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो तो मैंने आपको बता दिए। और यहाँ पे जो अगर आपकी वर्किंग होगी, देखो दोस्तों आपको 5 दिन काम करना होगा, 2 दिन की छुट्टी होगी, और आपको मुंबई लोकेशन पे ही करना होगा। और अभी के लिए अगर आप सोच रहे हो कि वर्क फ्रॉम होम चाहिए तो थोड़े से चांसेस है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में सारे ऑफिसेज खुल जा रही है, चाहे वो EY हो, डेलॉयट हो, KPMG हो, सारे ऑफिसेज अभी खुल रहे हैं और स्टाफ ऑफिस आके काम करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको 2 दिन ऑफिस आना पड़े, 3 दिन आप घर से काम करो, बट हाइब्रिड मॉडल भी हो सकता है, लेकिन ऑफिस आपको आना पड़ेगा। सैलरी पैकेज की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे आपके एक्सपीरियंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका सैलरी पैकेज क्या होगा, और आपकी प्रीवियस सैलरी आपकी थी उस पर भी ये चीज काफी ज्यादा डिपेंड करेगा। यहाँ अगर क्या आप सिलेक्ट होते हैं एसोसिएट कंसल्टेंट के लिए या कंसल्टेंट के लिए, दोनों की सैलरी डिफरेंट होगी, तो भी आप उम्मीद कर सकते हो 4 से 5 लाख रुपए आपको मिनिमम तो मिलेंगे, वहां से 8, 9 या 10 लाख तक भी आपको मिल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। जो लोग आप पहले इस पे जॉब कर सकते हो वो कमेंट सेक्शन में अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स होते हैं एक एमएनसी में काम करने के वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे PF हो गया आपका, आपकी सैलरी जैसे कि 21,000 से ऊपर होगी तो आपको ESI नहीं मिलेगा, उसके बदले आपको मेडिक्लेम मिलेगा, तो वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आपको जो ऑनबोर्डिंग जो प्रोसेस है उस पर आपको गिफ्ट्स वगैरह भी मिलेंगे, ज्वाइनिंग बोनस जैसे, ज्वाइनिंग गिफ्ट जिसे कहते हैं, तो वो सारा आपको मिलेगा। उसके बाद जैसे फेस्टिवल बोनस या फिर एनुअल बोनस होता है वो सारा कुछ आपको इसमें कवर किया जाएगा, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो काम का प्रेशर रहेगा वो मीडियम रहेगा, और ये जो प्रोफाइल के लिए अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये मिड टू सीनियर लेवल पोजीशन है, ये जूनियर लेवल नहीं है। यहाँ पे अगर आप लिंक्डइन में ये जॉब चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मिड टू सीनियर लेवल है, ना कि जूनियर लेवल।
तो उसके लिए थोड़ा सा आप तैयारी करके जाना, आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है टेक्निकल नॉलेज आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो सकते हो पहले ही अटेम्प्ट में, तो इसका ज़रा ध्यान रखना। थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाना, HR राउंड तो नॉर्मल होता है, उस पर आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस जॉब से रिलेटेड जो भी डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और लिंक्डइन से जाके आप सर्च कर सकते हो। और दोस्तों आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर आपने लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल नहीं बनाया है अभी तक, तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाओ। मैंने भी नहीं बनाया था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था, मैं नौकरी और इंडीड से ही सर्च करता था, लेकिन मैंने जब से लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाया तो मुझे पता चला कि ऐसे बहुत सारे अमेजिंग जॉब्स हैं जो सिर्फ लिंक्डइन पर ही दिखते हैं, नौकरी और इंडीड पर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, चाहे आप KPMG ले लो, चाहे डेलॉयट ले लो, हाइक ले लो, आप कुछ भी ऑर्गेनाइजेशन, एक्सेंचर ले लो, कॉग्निजेंट ले लो, सारा कुछ यहाँ पे अपना जॉब पोस्ट करते हैं, विप्रो ले लो, सब इसमें अपना जॉब पोस्ट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि आपको नौकरी और इंडीड में ये चीज़ देखने को मिले। मैं नौकरी इंडीड को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा कि लिंक्डइन पर बहुत अलग अलग टाइप की जॉब्स अवेलेबल हैं, और प्योर कोर फिनेंस रिलेटेड जॉब्स जैसे लोग चाहते हैं, कोर मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।